I feel it, I feel you. I didn't want to do this. Baby, I love you so much. अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने से पहले 90s के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ घर बसाने वाले थे। हालांकि कुछ कारणों के चलते अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर शादी के बंधन में नहीं बंध पाए। इसका खुलासा कभी भी कपूर और बच्चन फैमिलीज के द्वारा नहीं किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। करिश्मा कपूर के साथ शादी टूटने के कुछ समय बाद ही अभिषेक बच्चन ने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ शादी रचा ली। इसके बाद अभिषेक की मां जया बच्चन ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके लिए पारिवारिक मूल्य और ट्रेडिशन कितने महत्वपूर्ण हैं। जया ने ये भी बताया कि अपने बच्चों को बड़ा करते समय उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके बच्चे शालीन बने। जब जया से पूछा गया कि क्या यही कारण था कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को अपने घर की बहू बनाया, तो जया ने जवाब दिया, जी हाँ, यही कारण था कि मैंने अपने बेटे को ऐश के साथ शादी करने की इजाज़त दी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू को पारिवारिक मूल्य और कल्चर की अच्छी समझ हो। जब जया से पूछा गया कि क्या पारिवारिक मूल्यों की वजह से ही अभिषेक और करिश्मा की शादी नहीं हो सकी, तो जया ने बताया, करिश्मा कपूर के अंदर कपूर खानदान का खून है। करिश्मा के पिता मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं। करिश्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं कही जा सकती हैं। चलिए, भले ही जया बच्चन ने इस बात का जवाब ना दिया हो कि अभिषेक और करिश्मा की शादी क्यों टूटी, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया है कि उन्होंने ऐश्वर्या को बच्चन खानदान की बहू बनाना क्यों स्वीकार किया। निर्देशक कबीर खान 1983 के वर्ल्ड कप के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। ये खबर चारों ओर फैल चुकी है। रणवीर सिंह को 1983 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव के अंदाज में देखना दिलचस्प होगा। अब धीरे धीरे ये मालूम चलता जा रहा है कि बाकी खिलाड़ियों की भूमिका कौन निभाने वाले हैं। रणवीर के अलावा फिल्म में बाकी क्रिकेटर्स के रोल के लिए भी एक्टर्स फाइनल किए गए हैं। अभी तक आई लिस्ट के हिसाब से ये एक्टर्स फिल्म में शामिल किए गए हैं। रणवीर सिंह एस कपिल देव, ताहिर भसीन एस सुनील गावस्कर, चिराग पाटिल एस संदीप पाटिल, साकिब सलीम एस मोहिंदर अमरनाथ, हार्डी संधू एस मदन लाल, जीवा एस श्रीकांत, पंकज त्रिपाठी एस मान सिंह, साहिल खट्टर एस सैयद किरमानी। सलमान खान के फैंस के लिए सोमी अली कोई नया नाम नहीं होगी। सलमान और सोमी के कई किस्से पहले भी सुनने में आते रहे हैं। सोमी पाकिस्तान की मशहूर हीरोइन रही हैं। अभिनेत्री ने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते की बात को अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। खबर के मुताबिक कई साल पहले बॉलीवुड छोड़कर निर्देशन सीखने अमेरिका जा चुकी सोमी ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान से जुड़ा बहुत बड़ा राज खोला। सोमी ने बताया कि सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया देखते ही वो उनकी ऐसी दीवानी हुई कि उन्होंने उसी रात सब कुछ छोड़कर भारत आने की ठान ली। सोमी को उसी रात सपना आया था कि उनकी और सलमान की शादी हो रही है। बस जैसे ही उनकी आंख खुली वो पूरे घर में सूटकेस ढूंढने के लिए भागती रही। सोमी का भारत जाने का फैसला सुनकर पहले तो उनकी माँ बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर आखिरकार समझ गईं। उस वक्त सोमी की उम्र मात्र 16 साल थी। यहाँ तक कि सलमान और सोमी का रिश्ता करीब 8 साल तक भी चला। सलमान भी उनके लिए सीरियस थे, उन्होंने साथ फिल्में भी की, लेकिन कहते हैं कि सलमान के गुस्सैल व्यवहार के कारण उनका रिश्ता टूट गया। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।